यूरोप के सबसे गर्म इलाके में भी पहाड़ों पर काफी बारिश होती है, जिससे यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों में पानी भरता है। इन्हीं में से एक है करीब 1000 किलोमीटर लंबी स्पेन की सबसे लंबी नदी टागस। सेंट्रल स्पेन के पहाड़ों से निकलने के बाद यह नदी मोंफ्राग्वे नेशनल पार्क में आकर बहने लगती है। करीब 2 अरब पक्षी यहां हर साल आकर डेरा डालते हैं। दक्षिणी स्पेन की ये नदियां इस जमीन की ही नहीं बल्कि यहां रहने वाले जानवरों की भी प्यास बुझाती हैं और उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। बीस किलो तक के वजन और 1 मीटर तक के कद वाले ग्रेट बस्टर यूरोप के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी हैं। देखिए मेल, जिन्हें लेग कहा जाता है, कैसे अखाड़े में इकट्ठे होकर कैसा शाही प्रदर्शन कर रहे हैं। हर मेल के पास जमीन का अपना टुकड़ा है जो शायद कुछ ही मीटर लंबा चौड़ा होगा। वो अपने पंख फड़फड़ाता है, पर फैलाता है और अपनी गर्दन को गुब्बारे की तरह फुलाकर दिखाता है और इसी के साथ गाल और गर्दन के सफेद पर दिखाते हुए अकड़कर घूमना लगता है कि उसमें बाप बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। साइज में मेल से आधी फीमेल्स कई मेल्स के पास जाकर चेक करती हैं कि उनमें से उनके लायक कौन है। ये बहुत अच्छी तरह परख कर अपना जोड़ीदार चुनती हैं। ये पहले पक्का करेंगी कि इनके होने वाले बच्चे सबसे तंदुरुस्त हों। बच्चों को पालने में ये मेल्स कोई मदद नहीं करने वाले, इनका सिर्फ एक ही काम है कि अपनी अगली पीढ़ी को सबसे मजबूत जीन्स दें ताकि आगे जाकर वो भी अपनी अगली पीढ़ी तक सबसे अच्छे जीन्स पहुंचा सकें और इनका परिवार यूं ही चलाती रहे। तो ये शानदार शो इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि फीमेल्स को देखते ही पता चल जाए कि सबसे बढ़िया डीएनए किसके पास है और आखिरकार सबसे ज्यादा फीमेल्स का ध्यान भी वही खींचता है। अब सारी फीमेल्स इसी अल्फा मेल को मिलेंगी और इस मौसम में दूसरे लेकर्स के मुकाबले इसी के ज्यादा बच्चे होंगे।